तिनसुकिया में एक महिला की रहस्यमय मौत, महिला की बहन ने लगाया महिला के पति पर गंभीर आरोप। बंगाली लड़की कौन था? तितली चौधरी बोल के है, दुकान में लड़की रखा हुआ है, पहले भी एक बार कोई झमेला हुआ था, तब इसका बड़ा भाई डॉक्टर को बुला के उस लड़की को काम से निकाला। उसके बाद में बोलता है कि नहीं निकालेगा तुम्हारा बोलने से, मेरा बड़ा दीदी को बोलता है नहीं निकालेगा, बोलता है 10-10 छोड़ रखेगा बोलता है। क्या नाम था लड़की का? तितली चौधरी। आधी रात को रहस्यमय ढंग से महिला की मृत्यु, महिला के पति पर अन्य लड़की से संबंध रखने का आरोप। दूसरी चर्चा लुगाई दिया, महिला की मां ने भी लगाए दामाद पर गंभीर आरोप। आज मेरी 30 वर्ष की बेटी की लाश बनवा दी है, पहले कौन सोची था कुछ भी? क्या है मामला, सब कुछ रहस्य के घेरे में। बीती रात तिनसुकिया पर्वतिया निवासी विवेक गरोदिया उर्फ मुन्ना ने अपनी पत्नी को अचेत अवस्था में तिनसुकिया सिविल अस्पताल ले आया, जहां चिकित्सकों ने विवेक की पत्नी चित्रा गरोदिया उर्फ चिंकी को मृत घोषित किया। लाश की अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने लाश को पोस्टमार्टम हेतु रखवा लिए। लग रहे आरोपों के अनुसार विवेक तत्काल लाश को अंतिम संस्कार हेतु ले जाना चाहता था, पर उसकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। आज तिनसुकिया के सिविल अस्पताल में सुबह से ही मृतका चित्रा के परिजनों की भीड़ थी। चित्रा का परिवार अरुणाचल प्रदेश के इनाऊ में रहता है, चित्रा के पिता नहीं है। जब मां एवं बहनें तिनसुकिया सिविल अस्पताल पहुंची, तभी विवेक भी वहां पहुंचा। इस मौके पर चित्रा की मां एवं बहन द्वारा विवेक पर गंभीर आरोप लगाए गए। लड़की उसका वजह साथ में जो उल्टा पुल्टा हो रहा था उसका वजह से घर में 24 घंटे कलेश रखता था। तब घर में आके बार बार क्यों बोलता था कि तुमको हम छोड़ देगा, तुमको हम नहीं रखेगा, तुम तुम्हारा माँ को बुला लो, तुम्हारा भैया को बुला लो, हम भेज देगा तुम लोग को। क्यों अभी रितु बोलता है? अभी तो बोलने लायक भी नहीं बचा है। जो जिंदगी भर से आपका घमंड था ना, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया, खुद का तो किया सो किया उसका चक्कर में, और हम लोग का तो कर दिया सो कर दिया। अभी किस लिए बोलता है? मेरा रिलेशन था बीबी का साथ, क्या रिलेशन था हम लोग भी जानते हैं ना, कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। अगर अच्छा रिलेशन होता तो आज इतना टॉर्चर करके आज ये काम नहीं होता। घर में अगर कुछ वो दूसरा को बचाने वाला इंसान वो खुद आज खुद मरा है ना, आप लोग खुद मारा उसको, ये चीज भी क्लियर कर दीजिए। हम लोग मारा है उसको, आप बोल रहे हैं ये चीज आप बताइए ना, आप था सामने में, आप बताइए, वो खुद आपका टॉर्चर का वैसा भी मरा है, ये चीज आप खुद एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरा वजह से गया है ये। हम उसको हॉस्पिटल लेके नहीं, नहीं हॉस्पिटल लेके आए। हाँ, वो आपका घोसला था, आपका दिखावा था। लड़की के बारे में क्या बताया? बंगाली लड़की कौन था? तितली चौधरी बोल के है, दुकान में लड़की रखा हुआ है, पहले भी एक बार कोई झमेला हुआ था, तब इसका बड़ा भाई डॉक्टर को बुला के उस लड़की को काम से निकाला। उसके बाद में बोलता है कि नहीं निकालेगा तुम्हारा बोलने से, मेरा बड़ा दीदी को बोलता है नहीं निकालेगा, बोलता है 10-10 छोड़ रखेगा बोलता है। क्या नाम था लड़की का? तितली चौधरी। कुछ रिलेशन था उनके साथ? उसके साथ क्या? इस बारे में और मैं क्या कहूँगी, मेरी तो बेटी चली गई, अब इनको तो एक बार सजा तो मिलनी चाहिए ना। सजा मिलनी चाहिए। आप केस दीजिएगा? हाँ केस दूंगी, हाँ केस दूंगी। आपको खबर कैसे रहा? मेरे को खबर तो क्या नाम मिली है, नहीं मिले मेरे को तो क्या नाम अपना परिवार का लड़का के नाम खबर दिया है। हाँ एक बार सजा इसको जरूरी है, मेरी बेटी के नाम ऐसे चली गई तो मैं सजा चाहती हूँ। नाम क्या आपका दामाद का? विवेक गरोदिया। उल्लेखनीय कि आज सुबह से मीडिया कर्मी एवं चित्रा के परिवार के लोग तो सिविल अस्पताल में मौजूद थे, पर विवेक नहीं था। जब जांच हेतु मजिस्ट्रेट पहुंचे, उसी वक्त विवेक भी वहां पहुंचा था। इधर बीती रात चित्रा ने एक वॉइस मैसेज अपनी बहन को भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि विवेक गरोदिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इस सच्चाई को चित्रा की बहन ने स्वीकार किया है। रात आपके पास वॉइस मैसेज गया था आपकी सिस्टर का, वो कितना सही है, और वॉइस मैसेज में उसने कहा था, बातें कही थी आपको? जी हाँ। जी हाँ हाँ सर। वॉइस मैसेज क्या था, चिंकी का वॉइस मैसेज क्या था आपके पास? कि विवेक गरोदिया को सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितने बजे का वॉइस? 12:40। बारह चालीस उस वक्त कुछ आवाजें आ रही थी बाथरूम से? जी हाँ, पानी गिरने की आवाज आ रही थी। पानी गिरने की आवाज़ क्या है वॉइस मैसेज में जो आपको दिया गया था आपकी बहन के द्वारा, चिंकी के द्वारा, अंतिम बार क्या कही थी उस वॉइस मैसेज में उसने? विवेक गरोदिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो वॉइस मैसेज है आपके पास? जी हाँ। हा? जी हाँ। आप क्या चाहती हैं कि न्यायिक जांच हो? जी हाँ जी हाँ चाहती हैं। हाँ आपको क्या संदेह, क्या हुआ होगा?
इस मामले में विवेक के व्यवहार को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। विवेक की पत्नी को विवेक ने आधी रात को डाइनिंग टेबल के पास पड़े पाया। उसने इसकी सूचना चित्रा के परिजनों को न देकर मारघेटा में सरकारी चिकित्सक के रूप में कर्मरत अपने बड़े भाई को दिया, जो बीती रात ही तिनसुकिया पहुंच अपने भाई की सहायता में लग गया। विवेक ने चित्रा की मौत की खबर उसके परिवार को नहीं दी। चित्रा की माँ को इस बात की जानकारी अपने रिश्तेदारों से मिली। लग रहे आरोपों के अनुसार विवेक के किसी तितली नामक लड़की से संबंध है, जिसके चलते पारिवारिक जीवन अशांत हो चला था। यह भी आरोप लग रहे हैं कि चित्रा को विवेक मानसिक रूप से परेशान करता था। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। लोगों का कहना है कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोगों को अब पोस्टमार्टम के रिजल्ट का इंतजार है। उल्लेखनीय है कि विवेक गारोदिया उर्फ मुन्ना तिनसुकिया हनुमान मंदिर के किनारे दुर्गा मेडिकल स्टोर का मालिक है। विवेक एवं चित्रा का एक 5 वर्षीय पुत्र भी है, जिसके भविष्य को लेकर लोगों द्वारा चिंता जताई जा रही है। डेथ रिपोर्ट, पिक न्यूज़, तिनसुकिया।